ये क्या था बेला ने? बेला ने ये नागमुनि मुझे दी मेरी जान बचाने के लिए, अपनी जान खतरे में डालकर। बेला, बेला जानती थी कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मेरी जान बचाई। नागवंश की अमानत को मुझे संभाल के रखना होगा मैम, ये बहुत बड़ी अमानत है। आई हैव टू प्रोटेक्ट इट। कैसे ढूंढूं मैं अपने माहिर को, कैसे पता करूं कि वो सेफ है कि नहीं? तुमने गलत किया है, बहुत गलत, और अब इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बेला हूँ मैं, तुम सबकी नागरानी, क्या हो क्या गया तुम सबको? तुमने बहुत बुरा किया और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। देखो समझने की, ये लोग मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? क्या हो क्या गया इन्हें? क्यों कर रही है ऐसा? जैसा आपने कहा था वो कर दिया मैंने, ठीक वैसे ही किया। बेला को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसी के वंश के लोग नागलोक में उसके खिलाफ क्यों हो गए। वो बिल्कुल नहीं जानती कि वो क्या रहा, वो जानती नहीं कि आपकी कितनी अचूक शक्तियां हैं। कहाँ टिक पाएगी वो उनके सामने, थक जाएगी, हार जाएगी और हार मान के नागमणि लेके यहीं वापस आ जाएगी। इस बार कोई गलती नहीं होगी, मैं कोई गलती होने ही नहीं दूंगी इस बार। जैसे ही बेला नागमणि लेके आएगी वो हम उससे ले लेंगे, हम हासिल कर लेंगे उसे, इस बार गलती होगी ही नहीं। क्या कर रहे हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम सबका? हाँ देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो मैं तुम लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहती, मैं तुम्हारी नागरानी हूं और तुम्हें ये बात याद ही नहीं आ रही है, तुम सब कुछ भूल चुके हो। बस अब बहुत हो चुका, चुपचाप हार मान लो वरना हम सब से मुकाबला करो। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं नहीं लड़ूंगी तुम लोगों के साथ क्योंकि मैं तुम्हारी नागरानी, तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ मैं, तुमसे लड़ने के लिए नहीं। बात को समझने की कोशिश करो, दिमाग पे जोर डालो, याद करने की कोशिश करो, तुम्हें याद आ जाएगा, मुझे पहचानने की कोशिश करो। बेला हूँ मैं, तुम सबकी नागरानी, शेष नागवंश की नागरानी हूं मैं। पकड़ो, बेला चलो। माहिर जी, क्या हुआ? भाई आप? हाँ बेला, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, मुझे सब याद है। ये आपका सुरक्षा कवच थी और मैंने यहाँ भेजा आपको नाग लोक में, क्योंकि मैं जानती थी यहाँ पे जो सब है वो नाग, मेरे अपने लोग, लेकिन इन्हें क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा।
मतलब ये मुझे भूल गया है। और कैसे हो सकता है इनके साथ ऐसा? पता नहीं, मेरे अपने लोग मुझे नहीं पहचान रहे। सच में माहिर जी, मैं इनसे लड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि ये मेरे अपने लोग थे। ऐसे तो मैं भी तुम्हारा अपना हूँ, मुझे तुम बहुत लड़ती हो। माहिर जी आपकी बात, माहिर जी वो यहाँ पर भी पहुंच जाएंगे, हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, मैं यहाँ से निकलना होगा, जल्दी आइए। सवाल ही नहीं उठता कि वो हमसे बच के चले जाए। इस वक्त तो निर्लाभ लोग से खदेड़े जा रहे होंगे और दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे, जैसे हम यहाँ पर धक्के खा रहे हैं। क्या कहा तुमने? सही तो कह रही है, हम भी तो नागमनी के लिए हमारे मारे फिर रहे ना। और क्या सुमित्रा, तुम हर बात के लिए इतना कॉन्फिडेंट रहती हो कि उनके साथ ये हो रहा होगा, उनके साथ वो हो रहा होगा, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं होता, हमेशा हमारे साथ होता है। और इस बार भी देखो क्या, इवेंचुअली हम लोग यहाँ से वहाँ डांस कर रहे होते हैं। मदारी के बंदर की तरह। अब यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं कि हम मदारी कौन है और बंदर कौन। इनफ, हर बार बेवकूफी भरी बातें मत किया करो तुम लोग। तो क्या करें, तुम्हारी बात माने? फाइनली यू गॉट इट राइट, यस वही करना। अरे मॉम, इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, इन लोगों को तो काम है कहना, आप ये बताओ आगे करना क्या है? नजर रखना, हर गली हर कूचे पे नजर रखनी हमें, क्योंकि जैसे ही वो बेला नाग लोग से निकाली जाएगी उसके पास ऑप्शन नहीं होगा, वो यही आएगी, बस तब हमें उसे पकड़ लेना है। पर ध्यान रहे, उसके पास नागमणि है, उस नागमणि को बड़ी हिफाजत के साथ हमें उससे हथियाना है, उसे ले जाकर हुजूर को देना है। हुजूर? अब ये कौन है? तमीज, तमीज से नाम लिया करो तुम उनका। अरे लेकिन क्यों, आखिर है कौन? और अगर इज्जत से नाम नहीं लिया तो क्या शामत आ जाएगी हमारी? शामत नहीं, कयामत आ जाएगी। किसी की भी पहली गलती को आखिरी गलती बना देते हैं। गलतियां माफ करने के आदी नहीं है हमारे हुजूर। अरे आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, इतने सवाल जवाब? अरे मॉम जो कह रही है उसको सुनो ना, सिंपल खत्म। मॉम प्लीज आप बोलिए। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि शेष नाग वंश के सबसे बड़े दुश्मन है हमारे हुजूर, और खास तौर से तो उस बेला के। इसलिए वो चाहते हैं कि बेला हमारे हाथ लगते हैं, उससे हम वो नागमणि छीन लें और जाकर उस हुजूर को थमा देनी है। उसके बदले में हमें क्या मिलेगा सुमी? Shut up! फिलहाल जितना मैं कह रही हूँ सिर्फ उतना ही करो, जो काम मैंने दिया है उसे पूरा करो। जाओ यहाँ से और नजर रखो, दफा हो जाओ सारी। बिला बिला बिला, आराम से। माही जी पीछे मुड़ के मत देखिए। देखिए माही जी, मैं जानती हूँ आपके दिमाग में इस वक्त हजारों सवाल चल रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन करवा रहा है। मैं जानती हूँ और आपके ये सारे सवाल जेन्युइन हैं माही जी। देखिए प्लीज प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मैं जानती हूँ आप ये भी सोच रहे हैं कि मैं इन सबसे ऐसे बात कैसे कर सकती हूँ, और ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मैं खुद को इनकी नागरानी क्यों कह रही हूँ? बेला जस्ट दैट, नो जस्ट होल्ड ऑन। मुझे याद है, मुझे पता है, मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि मैं जानती हूँ आप क्या बात करने वाले हैं, मैं जानती हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं जानती हूँ आप क्या पूछने वाले हैं। बेला मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। देखा, वही पूछा ना आपने कि बेला मैं वही पूछ रहा हूँ जो बहुत जरूरी है। मुझे यहाँ पे आने का रास्ता नहीं पता ना, मैं जानना चाहता हूँ मैम, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ मैम। बेला देखो, जो पीछे लोग पड़े ना वो तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन वो हमें मारना चाहते हैं, तो तुम मुझे बताओ यहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं। एक बात और बेला, मेरे दिमाग में है 1000 सवाल है तुमसे पूछने के लिए, मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी जो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बता दो, लेकिन तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं, मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ बेला, यहाँ से बाहर निकलना चाहिए हमें। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एंड वन मोर थिंग, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ बेला, अपनी जान से भी ज्यादा। ये तो मैं पागल नहीं हूँ जो यहाँ पे तुम्हारे साथ आज मैं अनजान दुनिया में। आई ट्रस्ट यू बेला। आपने कहा कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं पूरी तरह, खुद से भी ज्यादा। ये भोलेनाथ रक्षा करना, आंखें बंद कीजिए। क्यों? कीजिए।